Hi friends, welcome to RM Automobiles. Guys, Maruti Suzuki ने अपने one of the most popular 5-seater compact SUV Vitara Brezza के facelift को 2020 Auto Expo में officially reveal किया, जिसे आप सभी ने देखा और अब इस गाड़ी को Indian market में launch किया जा चुका है 24 फरवरी को। अब अगर आप इस SUV को consider करना चाहते हैं, इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो इससे पहले इस गाड़ी की सारी official details जानना जरूरी है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस गाड़ी के ऊपर मैं सारी एक फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हर एक रेगुलर वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स की। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट व्यू से। अब फ्रंट व्यू देखें तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं इस गाड़ी में, क्योंकि एक फेस लिफ्ट है। तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद न्यू LED DRL जो आपको L शेप के मिलते हैं। वहीं इसमें आपको न्यू जो ग्रिल है उसमें आपको क्रोम एलिमेंट का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा नीचे देखें तो इसमें आपको न्यू रीडिजाइंड बम्पर और न्यू रीडिजाइंड फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल देखें तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इसमें आपको सिर्फ 16 इंच के न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसके अलावा कुछ नया देखने को नहीं मिलता इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर व्यू की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में भी कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके जो न्यू LED टेल लैंप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेंगे और इसके अलावा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। और जो इसका रियर बम्पर है उसको भी दोबारा रीडिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स की तरफ। तो इंटीरियर में आपको लेदर फिनिश स्टेयरिंग व्हील, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट करता है। इसके न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट्स, वॉइस कंट्रोल, व्हीकल अलर्ट, नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको पावर विंडोज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कोल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, फ्रंट में आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है, रियर में नहीं मिलता, सील बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर, इसके अलावा इसमें आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइज़ और डायमेंशंस के बारे में। अब ये एक फेसलिफ्ट है तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं इस गाड़ी के साइज़ और डायमेंशंस में। इसमें आपको लेंथ मिलती है 3995 mm की। इस गाड़ी की जो विड्थ है वो है 1790 mm की। इस गाड़ी में आपको हाइट मिलती है 1640 mm की। इसमें आपको व्हील बेस जो मिलता है वो है 2500 mm का और इसमें आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाता है। बात करें बूट स्पेस की तो इसमें आपको 365 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए काफ़ी है। अब बात करें इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की तो मारुति ने ब्रेज़ा को अब की बार पेट्रोल इंजन के साथ उतारा है। इसमें आपको 1.5 लीटर का K15 सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 bhp की पावर जनरेट करता है और 138 nm का टॉर्क देता है। इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है और इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको 18.76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। ऑटोमेटिक में ज़्यादा माइलेज इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का माइलेज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपको टोटल 9 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 5 वेरिएंट्स मिलेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में और 4 वेरिएंट्स मिलेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर आप इस गाड़ी का कोई मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसिंग 7.34 लाख रुपये से शुरू करके 9.98 लाख रुपीज़ तक जाती है। और अगर आप इस गाड़ी का कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइसिंग 9.75 लाख रुपये से शुरू करके 11.40 लाख रुपीज़ तक जाती है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। इस गाड़ी की मैं फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाया करें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलूंगा आपसे अगले एक और नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।